यस फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? चलिए अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हैज फोर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। ओवरहेड इज एब्जॉर्ब्ड इट्स प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बाय मींस ऑफ डिपार्टमेंटल रेट्स पर डायरेक्ट लेबर आवर। इन अ पर्टिकुलर ईयर देयर वाज अ लार्ज डिफरेंस बिटवीन द ओवरहेड इनकर्ड एंड ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड। ऑन एनालिसिस यू गेट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। हमारे पास ओवरहेड इनकर्ड की डिटेल दी है, एक्चुअल लेबर आवर वर्क की डिटेल दी है, द एस्टिमेटेड डिपार्टमेंट रेट और ओवरहेड एब्जॉर्ब की रेट दी है। डायरेक्ट लेबर आवर कंटेंट इन WIP इतना है एंड फिनिश गुड्स इतना है। ये एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि क्लोजिंग मेरी जो WIP और जो फिनिश गुड्स हैं उन उसमें इतने हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया था जिसमें मैं अनएब्जॉर्ब ओवरहेड के कॉन्सेप्ट की बात कर रहा था। अनएब्जॉर्ब ओवरहेड जब होते हैं तो उसको हम तीन तरीके से डिस्पोज ऑफ करते हैं, या तो कॉस्टिंग P&L में ट्रांसफर कर दें, या उसको हम कैरी फॉरवर्ड करें नेक्स्ट ईयर के लिए, या फिर हम सप्लीमेंट्री रेट यूज करें। तो ये प्रॉब्लम जो है उसी तरीके की है। आगे पढ़ते हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट फॉर ईच डिपार्टमेंट द डायरेक्ट लेबर आवर रेट ऑफ ओवरहेड इनकर्ड। एब्जॉर्ब का नहीं, इनकर्ड का क्या रेट है। कैलकुलेट द एक्सटेंट टू विच द वैल्यू ऑफ WIP एंड फिनिश गुड्स बी इंक्रीज्ड। देखिए अब यहां पर पॉइंट आ गया कि कितनी हम इंक्रीज कर सकते हैं। इंक्रीज करने का मतलब है सप्लीमेंट्री रेट लगाएं फॉर द ईयर इन व्यू ऑफ द करेक्ट रेट। व्हाट विल बी द इंपैक्ट ऑन टोटल प्रॉफिट ऑफ द कंपनी इन व्यू ऑफ करेक्शन इन बी एवं। चलिए इसको फ्रेंड्स करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे पास ओवरहेड जो दिए हैं और ओवरहेड हमने जो लेबर आवर्स हैं वो कितने हैं। चलिए मतलब रेट निकाले हैं तो हम बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ ओवरहेड रेट इनकर्ड पर आवर एंड करेक्टेड वैल्यू ऑफ WIP एंड क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है ना। चलिए तो यहां पर हम लिखेंगे पर्टिकुलर, ये आपका डिपार्टमेंट वन है, ये डिपार्टमेंट टू। एक सेकेंड, थोड़ा छोटा हो रहा है क्योंकि मैं चार डिपार्टमेंट है, तो पहले हम इसको चार पार्ट में बांट लेते हैं, 1, 2, 3 एंड 4। ये हमारा डिपार्टमेंट वन, ये डिपार्टमेंट टू, ये डिपार्टमेंट थ्री और ये डिपार्टमेंट फोर। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए हमारा जो ओवरहेड इनकर्ड अमाउंट है वो दिया हुआ है, हाउ मच, 12,320, 44385, 18180, 16720। देख सकते हैं आप बुक में से। अच्छा, एक्चुअल लेबर आवर हाफ लेबर आवर्स इन वर्कड भी दिए हैं, एक्चुअल लेबर आवर्स ये 30,800, 80,700, 40,400, 30,400। तो ये आपका ओवरहेड रेट इनकर्ड
पर आवर निकल आएगा 40, 55, 45, 55। ओवरहेड रेट का जो एस्टिमेटेड है वो हमारा दिया हुआ है 50, 45, 40, 50। तो ये हम कह सकते हैं वेरिएशन और सप्लीमेंट्री ओवरहेड रेट, इतने का डिफरेंस है या इतने के ओवरहेड रेट से हम चेंज करें। यहां पर 10 पैसे कम लगे हुए हैं, मतलब इसमें ज्यादा एब्जॉर्ब है, ठीक है, और यहां पर 10 पैसे का कम का है, ठीक है ना। ये हमारा अब देखिए, इन्होंने बताया कि लेबर आवर्स इंक्लूडेड इन WIP 3000, 10400, 1900, 7200, ठीक है ना। तो स्टॉक ऑफ WIP चेंज जो होगा वो कितना होगा, सप्लीमेंट्री रेट से माइनस 300 प्लस 1040 प्लस 95 प्लस 360, ठीक है ना। ऐसे ही हम कहेंगे लेबर आवर्स इंक्लूडेड इन क्लोजिंग स्टॉक इंक्लूडेड इन क्लोजिंग स्टॉक, वो भी देख लें कितने हैं, 4800, 8300, 4000, 2900। तो क्लोजिंग स्टॉक चेंज होगा हमारा 480 से, यहाँ 830 का प्लस होगा, यहाँ 200 में प्लस होगा और यहाँ 145 का प्लस होगा। अगर हम इन चारों का टोटल करें, टोटल WIP स्टॉक चेंज होगा माइनस 300 प्लस 1040 प्लस 95 एंड टोटल क्लोजिंग स्टॉक चेंज होगा माइनस 480 प्लस 830 प्लस 200 प्लस 145, ठीक है। हम लिखेंगे क्या, ड्यू टू करेक्शन ऑफ ओवरहेड रेट क्लोजिंग स्टॉक क्लोजिंग की जगह हम फिनिश, ये जो क्लोजिंग वर्ड यूज कर रहे हैं हम लोग, ये फिनिश्ड वर्ड यूज करना चाहिए हमें, फिनिश्ड गुड्स, फिनिश्ड गुड्स, फिनिश्ड गुड्स, ये फिनिश्ड गुड्स वर्ड है, ओवरहेड
stock of WIP and finished goods will increase by 1195 and 695 respectively. So the profit of the company will change by 1890 for the year. इतने से बदल जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स? चलिए, थैंक यू.